क्लास टेंथ का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर वन है, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन ए बराबर 3/5, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं और हमें दिया क्या है, साइन ए इक्वल टू 3/5। अभी जो साइन ए इक्वल टू 3/5 है, इसका मतलब क्या है पहले ये समझिए। साइन ए इक्वल टू 3/5। अभी जो साइन आप लोगों को पहले बता चुके हैं इससे पहले वीडियो में कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, जैसे कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो परपेंडिकुलर है, जो इस लाइन की डिस्टेंस से दूरी है वो हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर यानी कि पी की वैल्यू कितनी दी है, 3 है ना, ठीक है, ये हमें दिया है पी, ठीक है, और ये पी हो गया, और एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू दी हुई है हमें 5 है ना, ये हमें दी है 5, तो ये पी हो गया और एच की वैल्यू हो गई 5, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हमें हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, लेकिन बेस नहीं पता है, है ना। हम जब समझे ये P दिया है ऊपर वाला नंबर, नीचे वाला नंबर H दिया है ना, तो यानी कि ये डायग्राम है, हमें ये दिया है 3 और ये दिया है 5, लेकिन बेस नहीं पता। बेस पता करने क्यों पता करना है, क्योंकि हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल फार्मूला हमने बताया था, वो लगेगा। तो अब हमें साइन की वैल्यू पता है, साइन के बाद दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है कॉस, फिर तीसरा होता है टैन, फिर चौथा कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक, ये सारे निकालने। तो सबके फॉर्मूले भी याद होना चाहिए, सबके फॉर्मूले याद होना। अब पहले हमने क्या करेंगे, पहले ये निकाल लें हम बेस पाइथागोरस थ्योरम से। अब जैसे ये डायग्राम है, हमने वैल्यू पुट अप की है ना, साइन की हाइपोटेन्यूज 5 था, ये 3 था। अब ये निकालना है, तो हमें पता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पी की एच की वैल्यू क्या दी है, ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, बेस नहीं पता, ये निकालना है, तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर लगेगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 5 तो 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 9, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 25 है, 25 में से माइनस 9 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर बी स्क्वायर, ठीक, 25 में से 9 गया बचा 16, बराबर बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर जाएगा, रूट बन जाएगा, तो बी बराबर रूट 16 की वैल्यू होती है 4, तो बेस कितना आ गया 4, ये बी की वैल्यू होगी, बी बराबर 4 आ गया, ठीक है। बी फॉर बेस है यार, अभी अलग है, ये बेस है, बी फॉर बेस, ये पूरी लाइन को बेस कहते हैं, ये पूरी लाइन को परपेंडिकुलर, खड़ी लाइन को परपेंडिकुलर कहते हैं, ये पूरी लाइन को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, सबसे लंबी लाइन हाइपोटेन्यूज होती है। तो हमें बी की वैल्यू 4 मिल गई, अब हम क्या करेंगे, बी यहाँ पर 4 लिख देंगे, एक मिनट, ठीक है। अब हमने देखिए बी की वैल्यू, ये देखिए 4 मिल गई, यानी कि ए बी जो लाइन है ये यहाँ से यहाँ तक के बेस जो हमारा है वो कितना आ गया, 4। अब हम सारे फॉर्मूले लगा के निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें देखिए दिया है साइन थीटा का दिया है, साइन के पास जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, हमें यह ऑल निकालना है ना, सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारा होता है कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल, याद आ रहा होगा, इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, ठीक है। तो ये बेस जो हो गया, ये हमारी नीचे वाली लाइन जो अभी निकली है 4 हो गया, और ए सी ये देखिए, ए सी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की ए सी है, ये 5 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ए सी रख देंगे 5, ठीक है, बी की वैल्यू 4 हो गई, एच की वैल्यू 5 हो गई, 4/5 कॉस थीटा हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला होता है टैन थीटा, तीसरा रेशियो होता है टैन थीटा, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि याली लाइन अपॉन याली लाइन, ठीक है, ये अपॉन ये, इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू 3 है, बेस की वैल्यू ए बी की वैल्यू 4 है, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन की 4 वैल्यू है, ये लग दिया 3/4 हो गया, ठीक है।
उसके बाद कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, या तो कॉट थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, कॉट थीटा का फॉर्मूला जैसे ये टेन का उल्टा होता है, टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है जैसे, तो कॉट का क्या हो जाएगा उसका उल्टा, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, चाहे तो ये फॉर्मूला रख दिए, या तो कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर वन अपॉन टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू 3/4 है, इसको 1/3/4 करेंगे, 4 ऊपर 3 नीचे, ठीक है। तो आप चाहे तो कॉट थीटा का फॉर्मूला उल्टा करिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये जो होता है ये रख लिए, तो ये वैल्यू रख दी, ये रख दी, ठीक है। इसी तरह सेक जो थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है, जैसे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें तो नहीं लिखा है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी कि नीचे वाली लाइन अपॉन ये वाली लाइन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ठीक है। बेस दिया था 4, अब इसका तो सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, इसका मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज ऊपर बेस नीचे, ठीक है, हाइपोटेन्यूज 5 ऊपर हो गया, बेस जो है 4 था वो नीचे हो गया, ठीक है। तो ये देखिए कॉस थीटा का दूसरा फॉर्मूला, कॉस थीटा का 1/sec θ 1/cos होता है, तो sec थीटा का एक फॉर्मूला ये होता है h/b, दूसरा 1/cos, चाहे दोनों में से जो लगा आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब कोसेक बचा, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, या तो कोसेक की भी दो फॉर्मूले, कोसेक बराबर 1/sin लगा दिए, यानी कि जो साइन की वैल्यू लिखी हुई थी क्वेश्चन में वो उसको पलट दिए, या कोसेक का थीटा होता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, कोसेक थीटा का होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है और परपेंडिकुलर 3 है, पुट कर दिया। अब ये जो फॉर्मूला है सबको एक बार याद करने की ट्रिक हम बता दे रहे हैं, हम इतनी दौड़ से बोल रहे थे, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरे हर बोल, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरे हर बोल, पी फॉर पंडित। अब ये पी अपॉन एच है, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये जो बी अपॉन एच है ये कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, थीटा की जगह ए बी सी डी पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये टेन थीटा का होता है, और सबका उल्टा जो होता है वो जैसे टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ऊपर बेस नीचे एच अपॉन बी, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, इस ये उसका उल्टा होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये फॉर्मूला याद है। तो कुल मिला के कितने फॉर्मूला होते हैं, 6, ठीक है, सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए तभी ये कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें दिया एक था, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो साइन थीटा या किसी का एक का दिया होगा आपको, साइन का दिया है तो कॉस टेन कॉट सेक कोसेक पाँचों निकालने हैं बचे हुए, होता ये है साइन ए दिया हुआ है, ठीक है, आपको निकालना है कॉस ए टेन ए साइन कॉस टेन कॉट ए सेक ए और कोसेक ए, इतने के निकालने, सबके फॉर्मूले याद होना चाहिए। इसका होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, इसका पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर यार बोल बी अपॉन एच, है ना, इस तरह से याद कर लेंगे, है ना, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक।